पिछले लेक्चर में हमने जो है देखा था कि किस तरीके से हम LSTM को इस्तेमाल करते हुए जो है सीक्वेंस प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। उसी पे हम जो है अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन अभी क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कोड है, सैंपल कोड, इसको देख लेते हैं जरा। हमने जो है सबसे पहले फोल्डर स्पेसिफाई किया, उस फोल्डर से जो है फाइल को रीड किया, ओपन किया, ओपन से फाइल रीड हुई, तमाम कंटेंट्स आ गए। उसमें से बैक स्लैश एन के हिसाब से हमने स्प्लिट किया, तो जितनी भी लाइनें होंगी वो अलग अलग एक लिस्ट बन जाएगी। उसमें से हमने पहली लाइन जो है उसको फिर कॉमा से स्प्लिट करके हेडर्स निकाल लिए, तो हमें पता चल गया कितने कॉलम्स हैं, और बाकी लाइनों को हमने अलग कर लिया। फिर उसको नंपाई में कन्वर्ट किया हमने, हर लाइन पे लूप चला के फॉर एवरी लाइन हमने नंपाई पे कन्वर्ट करना है इसको। तो पहले हमने नंपाई की एक एरे बना ली जिसमें जो है जितनी लाइनें हैं उतने एलिमेंट्स होंगे, और लेंथ ऑफ हेडर से हमें पता चल जाएगा कितने कॉलम्स होंगे। एक कॉलम हमने कम रखा -1 करके, क्योंकि पहला कॉलम डेट का है। अगर आप इस फाइल को देखें, डेट हमें नहीं चाहिए तो हमने इसको छोड़ दिया। हर लाइन को हमने जो है कॉमा से स्प्लिट किया और उसको नंपाई की एरे में डाल दिया, तो हमारा डेटा पूरा आ गया रीड होके। इसको रन कर लेते हैं। डेटा को प्रिंट कराया हमने, 0 10 को प्रिंट करा के देखा हमने, तो कुछ सैंपल डेटा प्रिंट कराया। फिर हमने इसको प्लॉट करा लिया था मैटप्लॉटलिब के थ्रू। तो हमने ये नोट किया था कि ये सीक्वेंशियल डेटा है और इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा प्री प्रोसेस करके डेटा को जो है हम पास करेंगे LSTM या GRU को, गेटेड रिकरेंट जनरेटर। ये दोनों जो है सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, 0 1 के बीच में ले आते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप हर डेटा में से मीन को माइनस कर दें, तो जितना भी डेटा है उसमें से मीन को माइनस किया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा नॉर्मलाइज हो गया। फिर हमने एक मेथड बनाया जनरेटर का, जो कि एक जनरेटर है, और ये डेटा यील्ड करेगा, एक बैच ऑफ डेटा यील्ड करेगा। जब भी हम इसको कॉल करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, फिट में हम इसको पास कर देंगे तो ये डेटा यील्ड करेगा। जनरेटर का ये फायदा होता है कि जहाँ पे जब ये पहली बार यील्ड करता है वहाँ रुक जाता है, जब इसको दोबारा कॉल करेंगे तो नेक्स्ट कॉल करेंगे इसके ऊपर, तो जहाँ पे रुका था वहीं से कंटिन्यू करके फिर चलना शुरू हो जाता है अनटिल के दोबारा से यील्ड करें, तो यील्ड पे रुक जाता है और फिर दोबारा नेक्स्ट करते हैं तो फिर चलना शुरू हो जाता है। जनरेटर का ये फायदा है। अब डेटा हमारा होगा किस तरीके से, अगर आप डेटा देखें तो ये 10 10 मिनट का डेटा है, 10 12 बज के 10 मिनट पे है, 12 बज के 20 मिनट पे, और 12 बज के 30 मिनट पे, 12 बज के 40 मिनट पे, एंड सो ऑन। सो इट्स द डेटा जनरेटेड आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। इस मेथड को कुछ आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, पहले जो डेटा जा रहा है इसमें से हमने एक बैच निकालना है। ठीक है, इस डेटा में से लुक बैक का मतलब है हमने कितना पास्ट में जाके डेटा को देखना है, और डिले बता रहा है कितना फ्यूचर में जो है हमें डेटा को प्रेडिक्ट करना है, कितना आगे का प्रेडिक्ट करना है। तो वो कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास ये डेटा है, ठीक है,
टेन टेन से सेपरेटेड है। ठीक है, टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो पहले तो हमने ये चेक करना है कि मैक्सिमम इंडेक्स दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। अगर मैक्सिमम इंडेक्स नहीं दिया हुआ तो हमने बिल्कुल आखिर तक के डेटा को रीड करना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर डिले टेन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, 70 पे नहीं खड़े हो सकते, 70 तक का डेटा नहीं ले सकते। हम 60 पे रहेंगे तो हम 10 मिनट्स आगे का डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें डिले को माइनस करना होगा लेंथ ऑफ डेटा से। मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, जो लेंथ ऑफ डेटा है उससे माइनस करेंगे डिले को, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होके तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 मिनट आगे का डेटा, लेकिन 70 पे खड़े होके 10 मिनट आगे का डेटा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम लूप बैक में भी यही कहानी है, हम 0 पे खड़े होके पास्ट के डेटा पे नहीं देख सकते। ठीक है, हम 10 पे खड़े होंगे तो हम 10 मिनट पीछे का डेटा देख सकते हैं और उसकी बेस पे 10 मिनट आगे का डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डिले बता रहा है कितना आगे का डेटा प्रेडिक्ट करना है और लुक बैक बता रहा है कितना पीछे के डेटा को देखना है, राइट? कितना बैक पास का डेटा देखना है उसकी बेस पे। तो आई जो है वो लुक बैक प्लस करना होगा, 0 पे नहीं रह सकते हम। आई जो है स्टार्ट करेंगे हम लुक बैक जितना भी है उतना प्लस करके वहां से स्टार्ट करेंगे, हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते डेटा जनरेशन। फिर शफल ये बता रहे हैं कि क्या हमने डेटा जो है शफल कर देना है, रेंडमाइज कर देना है डेटा को। अगर रेंडमाइज करना है तो हमने np.random.randint से जो है रेंडमली रॉज उठा ले, और अगर शफल नहीं करना तो हम तरतीब से डेटा उठा रहे होंगे। ठीक है, ये लूप लगा हुआ है, ये लूप चलता रहेगा, डेटा रीड होता रहेगा। वाइल बंद कर दिया हमने, इनफाइनाइट लूप चला दिया है। np.random.randint में जो है हमने कहा है कि मिनिमम इंडेक्स से लेके लुक बैक यहाँ से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम इंडेक्स तक जाना है, इस रेंज में जो है नंबर्स जनरेट करने हैं। और कितने नंबर्स जनरेट करने हैं वो हम बता रहे हैं, साइज इज इक्वल टू बैच साइज। अगर 30, 128 का बैच साइज है तो ये एक रॉ नहीं जनरेट हो रही होगी इस तरह से, बल्कि कई रॉज जनरेट हो रही होंगी। रॉज कैसे जनरेट हो रही होंगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास एक सैंपल होगा, ठीक है, सैंपल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 लुक बैक का डेटा पड़ा हुआ है, पिछले 10 लुक बैक का डेटा पड़ा हुआ है, उसकी बेस पे हम टारगेट बता रहे होंगे। ठीक है, और ये एक रॉ नहीं होगी, इस तरह से कई रॉज होंगी, हम बैच में डेटा जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने देखना है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 213 एलिमेंट्स हैं और आपने 50 50 का बैच जनरेट करना है, ठीक है, तो अगर आप 0 पे खड़े हुए हैं तो 50 का बैच क्या होगा, 0 से लेके 50, फिर 51 से लेके 100, 101 से लेके 150, 200, 151 से लेके 200 तक। लेकिन जब 200 पे पहुंचेंगे तो हम ये नहीं कर सकते कि 250 तक का डेटा जनरेट कर दें, बल्कि हमें क्या देखना होगा कि अगर 200 पे है और बैच साइज 50 का है तो 200 में 50 प्लस नहीं कर सकते हम, बल्कि हम देखेंगे मैक्सिमम साइज कितना है उसका। मैक्सिमम इंडेक्स 213 है तो 213 तक हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि अगर बैच साइज में आई ऐड करेंगे और वो हमारी रेंज से बाहर निकल रहा है तो हम मिनिमम इंडेक्स प्लस लुक बैक के बराबर इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पे भी इसी तरीके से मिनिमम देखा हमने,
अच्छा, बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलें जी। जिनको नजर नहीं आ रही उनके नेट की प्रॉब्लम है, फिर काइंडली लुक एट योर इंटरनेट प्रॉब्लम। राइट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर शफल है तो रैंडमली जनरेट करा दो, शफल नहीं है तो आई प्लस बैच साइज से लेकर मैक्सिमम इंडेक्स तक के सीक्वेंस में नंबर जनरेट करा दो। ऊपर रैंडमली जनरेट हो रहे हैं कुछ नंबर्स इस रेंज में, अदरवाइज सीक्वेंस में जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, जिनको क्लियर नजर नहीं आ रहा वो अपने इंटरनेट को देखे ना यार, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जनाब, अब हमने क्या करा, आई प्लस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोज, आई प्लस करा दिया हमने, जितने नंबर्स रीड कर लिए 0 से लेके 50 तक, फॉर एग्जांपल एक बैच रीड कर दिया, तो अब आई की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो अगली दफा में 100 हो जाएगी, तो जितनी भी रोज हैं उनकी लेंथ आप जो है प्लस कर दोगे। सैंपल्स इज इक्वल टू एन पी, अब हम क्या करेंगे, सैंपल जनरेट कराने शुरू करेंगे, जितनी भी रोज हैं बैच साइज के बराबर होंगी, या अगर आखिर में होंगे तो बैच साइज के बराबर नहीं होंगी, बल्कि अगर 200 पे हैं तो 13 आप जो है रॉस उठा सकते हो, मिसाल के तौर पर 50 पूरी नहीं उठा सकते। फिर हम जो है डेटा किस तरीके से होगा, डेटा में पहले आप जो है रॉस होंगी मल्टीपल, डेटा में मल्टीपल रॉस होंगी। ठीक है, हर रॉ में आप क्या करोगे, कॉलम्स होंगे, कुछ कॉलम्स में आपके पास पास का डेटा पड़ा होगा सैंपल्स में, तो मिसाल के तौर पर अगर लुक बैक 200 है और आपने बोला है कि मैं 10-10 के स्टेप से उठाऊंगा, तो 20 आप रिकॉर्ड उठा सकते हो पास्ट के, 200 एलिमेंट्स तक देखना है पास्ट में, लेकिन 10-10 के कदम के बाद, तो पहले आप जो है 200 पे डेटा देखोगे, 190 पे देखोगे, 180 पे, 170, 160, यहाँ तक के 0 तक पहुंच जाओगे, तो लुक बैक को डिवाइड करना होगा स्टेप से, तो हमारे पास आ जाएगा कितने सैंपल होंगे। और तीसरी चीज, आप सिर्फ टेम्परेचर थोड़ी मेजर कर रहे हो, बल्कि पास्ट का बहुत सारी रॉज हैं जिसमें हर रॉ में आप क्या कर रहे होगे, पास्ट का डेटा देखते हुए फ्यूचर की इंफॉर्मेशन भी साथ साथ रख रहे होगे, और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो लेंथ, वो टेम्परेचर भी है, वो प्रेशर भी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, टी स्पॉट है, टी ड्यू है, रॉ है, वीपी मैक्स है, ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आप रख रहे हो। ठीक है, तो ये डेटा डॉट शेप आखिरी जो उसकी डायमेंशन है उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने क्या क्या चीजें रखनी है आपने डेटा में। टारगेट में आप जो है कितनी रॉज होंगी, टारगेट में जितनी जितनी रॉज हैं वही रखोगे आप। आप जो हर रॉ पे इनुमरेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल पहली रॉ उठाई आपने, ठीक है, रॉ आई उठाई आपने या रॉ जे उठाई आपने, एक्सेल फाइल जो है बेटा, पावर पॉइंट पे मैंने यूआरएल दिया हुआ है, वहां से आप एक्सेल की शीट डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक में भी मौजूद है एक्सेल की शीट, ये इंशाल्लाह मैं आपकी जो है पावर पॉइंट की स्लाइड आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो भी रॉ है उससे हम जो है माइनस लुक बैक करते हुए, फॉर एग्जाम्पल 10वीं रॉ पे हो और अगर आपने लुक बैक दिया है 4, तो 10 माइनस 4 यानी 6 से स्टार्ट करोगे और 10 तक जाओगे, रॉ जे तक जाओगे, रॉ जे की वैल्यू 10 है, लुक बैक माइनस किया था 6 से लेके 10 तक के आपने जो है एक नंबर्स जनरेट कराए स्टेप साइज के हिसाब से, वो रॉस जो है आप उठा लोगे, वो इंफॉर्मेशन आप उठा लोगे, 6 से लेके 10 तक की इंफॉर्मेशन आप सैंपल में डाल दोगे, और 10वीं इंफॉर्मेशन जो है वो आप टारगेट में डाल दोगे।
ठीक है। तो ये चीज क्या बता रही है, अगर रॉ की वैल्यू 15 है और आपने बोला है कि मुझे जो है 5 रिकॉर्ड्स पीछे तक का डेटा अपने पास रखना है, 5 रिकॉर्ड्स पीछे, तो 15 में से 5 माइनस करोगे 10, 10 से लेके 14 तक की जो इंफॉर्मेशन है वो आप उतनी रॉज जनरेट कराओगे, 10वीं रॉ, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, तो 10, 11, 12, 13, 14 ये रेंज के थ्रू जनरेट हो जाएगा। वो रिकॉर्ड्स उठा के आपने सैंपल्स के अंदर डाल दिए, ये बता रहे हैं पास्ट का डेटा जिसकी बेस पे आप टारगेट प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो आप 15वें पे हो अगर रॉ, और आपने बोला कि मैं फ्यूचर में डिले मैंने जो है मिसाल के तौर पर 3 कर दिया है, तो 18वीं, 15 प्लस 3 करोगे, 18वीं की प्रेडिक्शन करोगे, 11, 12, 13, 14 की बेस पे 18वीं की प्रेडिक्शन करोगे, तो सैंपल और टारगेट आप यील्ड कर दोगे इस तरीके से। छः से लेके 10 तक, ठीक है, हमारी एग्जाम्पल में 6 से लेके 10 तक पूरे पास के जितने भी है ना डेटा वो रखोगे और उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करोगे। ये 3D एरे है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सब इन्फॉर्मेशन है, तो ये 3D एरे है। तो लुक बैक रखा हमने 141, लुक बैक स्टेप ये वो सेट किया हमने, इसकी बेस में हमने ट्रेनिंग जनरेटर बनाया, वैलिडेशन जनरेटर और टेस्टिंग जनरेटर बनाया, ठीक है। और अब हम जो इसको LSTM या GRU किसी के भी थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई इसकी, ठीक है। तो मैं 10 मिनट देता हूँ, आप लोग इसको अपने पास प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। 10 मिनट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लें आप लोग। बुक के अंदर मौजूद है ये एग्जाम्पल। अच्छा जी, बुक का पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पहले जो है लिस्टिंग ये 211 पे है, 211 पे, हाँ ये यहीं पर ही है, 211-8 यहाँ पे कोड दिया हुआ है। बेस लाइन वाला कोड जो है ये रन नहीं करिएगा, वो उन्होंने जो है ऐसे बनाया है, असल रिकरेंट वाला कोड रन करिएगा, ठीक है, चलें चलाएं इसको।
जी जनाब, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? कितना हो गया टास्क? इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम कोर्ट का एक दफा। तो कोड सिंपली क्या कर रहा है, पहले तो हमने जो है डेटा को रीड किया, हेडर को अलग कर लिया, और हमने उसके बाद जो है बैक स्लैश एन से सेपरेट किया, तो तमाम लाइनें अलग अलग हो गई। फिर उसको कॉमा से सेपरेट करके हमने एक नंपाई की एरे में डाल दिया। असल जो कोड है ना, ये जनरेटर का कोड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझना ज़रूरी है। तो हमने जो है ये देखना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेटा एक्स के अंदर जो है जो पास का डेटा है उसको रखते हैं, और वाई के अंदर जो है करंट डेटा रखते हैं, करंट या फ्यूचर का डेटा, अगर आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है। फिर हमने जो है एक चीज़ रखी है स्टेप। नॉर्मली हमारे पास जब हम आरएनएन पे काम करते हैं स्टेप नहीं होता नॉर्मली, यहाँ पे इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जनरलाइज कोड लिख दिया है। स्टेप इस वजह से लिखा है क्योंकि 10-10 मिनट का डेटा है हमारे पास, हम ये नहीं चाह रहे कि हर 10 मिनट के बाद डेटा उठाएं, बल्कि हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में एक बार डेटा उठाएं। तो इस वजह से इन्होंने स्टेप साइज 6 रख दिया है, तो 6 × 10 = 60 होता है। डेटा को शफल करना चाहें तो शफल कर लें, रॉज उठा लें हम, और फिर हमारे पास ये यहाँ पे रॉज के अंदर भी जो डेटा पड़ा हुआ है ना, रॉज के अंदर एक रिकॉर्ड है पूरा। अब एक रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, और हर कॉलम में जो है पास्ट का एक टाइम का डेटा है, और हर कॉलम के अंदर जो है पास्ट के एक टाइम जो डेटा है वो बहुत सारा डेटा है। मिसाल के तौर पर 12:10 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, फिर आप जो है 1:10 की इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, फिर 2:10 की इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, तो ये पूरी एक रॉ बन रही है जिसमें आपके पास 12:10, 1:10, 2:10, 3:10 ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन भी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि कई चीज़ें हैं इसमें। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ह्यूमिडिटी है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये 3-डायमेंशनल एरे बन रही है। तो इसमें हमने डेटा रखा, उसको फिर नंपाई के थ्रू हमने जो है इसको सेव कराने के बाद अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमने शफल क्यों किया। हम शफल इस वजह से कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड को तो शफल नहीं कर रहे हैं, हम जो है हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ फॉर एग्जाम्पल 12:10, 1:10, 2:10, 3:10 का डेटा उठा लिया, और उसके बेस पे जो है मैंने 4:10 की प्रेडिक्शन ये मेरे पास मौजूद है। उसके बाद किस बच कितनी कौन सी प्रोडिक्शन होनी चाहिए, उसूलन 5:10 की प्रोडिक्शन होनी चाहिए, लेकिन मैं 5:10 की प्रोडिक्शन अपने पास नहीं रख रहा, मैं 6:10 पे चले जा रहा हूँ। यानी 6:10 के लिए मैं 5:10, 4:10, 3:10, 2:10 की प्रोडिक्शन। उसके बाद सीक्वेंस वाइज अगर देखें तो 7:10 की प्रोडिक्शन आपके पास डेटा में स्टोर होगी, लेकिन मैं 7:10 की नहीं कर रहा, मैं मिसाल के तौर पर 1:10 की प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूँ, स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट टाइम पे इस डेटा स्टोर कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइम के लिए प्रेडिक्शन स्टोर कर रहा हूँ। कभी मैं 1:10 वाली प्रेडिक्शन जो है वो मैंने सेव कर ली, फिर 4:10 वाली, लेकिन मैं जब 4:10 की प्रेडिक्शन को स्टोर करूंगा तो उसके लिए पूरी सिक्वेंस मैं स्टोर कर रहा हूँ कि 4:10 के लिए 3:10 का डेटा भी होगा, 2:10 का भी होगा, 1:10 का भी होगा, पूरी सीक्वेंस वैसे ही स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन जो है मेरा जो टारगेट है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो कभी 4:10 है, कभी 1:10 है, कभी 3:10 है, ये रेंडमाइज कर रहे हैं, ये शफलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज पूरी सीक्वेंस ही स्टोर कर रहा है, तो टाइम सीरीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ये। उसके बाद जो है हमने जनरेटर बनाने के बाद इसको GRU से गुजारा और इसको रन कर देंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है बल्कि। तो इसको आप आराम से अपने पास चला के देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे चलते हैं थोड़ा सा।